हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज हम निकले हैं टाइगर की ढूंढ में और हम कुछ ही देर में यहाँ से, अभी कुछ ही देर पहले यहाँ से टाइगर निकला है, तो हम आपको टाइगर के पाँव के निशान दिखाएंगे आपको कि ये देखो यहाँ पे टाइगर के पाँव के निशान है जो अभी थोड़ी देर ही पहले यहाँ से निकला है आगे की ओर। तो अभी हम जा रहे हैं टाइगर को ढूंढने। अब देखो अब आगे टाइगर मिलता है या नहीं मिलता है, तो फिर भी हम आगे की ओर जा रहे हैं। ये यहीं से निकला है तो अभी हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी घने जंगल हैं, तो आप दिखा रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी टाइगर और जंगली जानवर यहाँ पे काफ़ी होते हैं। तो हम अभी आगे की ओर तो बढ़ रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना घना जंगल है और हम आगे की ओर जा रहे हैं अभी फ़िलहाल तो। पर आज तो कुछ भी हो जाए, कितना भी टाइम लग जाए, फिर भी हम टाइगर को तो आज देखना ही है और हम बिना सेफ्टी के आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइगर ने कुछ ही टाइम पहले यहाँ पे, ये देखो टाइगर के पाँव के निशान भी है। और हम अभी ये ताज़े हैं क्योंकि बारिश का मौसम है, तो यहाँ पे क्या है अभी ताज़े निशान ही दिखाई पड़ रहे हैं। तो हम अभी उसी ट्रैक पे जा रहे हैं जिस रास्ते से, मतलब ये यहाँ पे पानी, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या है टाइगर के निशान, ये देख सकते हैं आप टाइगर के जो अभी जो मतलब नए निशानी है यहाँ पे। और हम जा रहे हैं आगे की ओर और ये देखो ऊपर पेड़ देख सकते हैं आप कितने घने घने पेड़ हैं यहाँ पे। और हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पे अभी हम वापस आ रहे हैं कि यहाँ पे हमें क्या है आगे नहीं जा सकते यहाँ पे, कि ये पोल लग रखी है। और हम अभी फ़िलहाल आगे की ओर इस दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपको दिखाएंगे अभी कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ से आगे की ओर, तो हो सके टाइगर नदी की ओर गया होगा तो हम नदी की ओर जा रहे हैं। तो फ़िलहाल हम अभी रोड क्रॉस करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं नदी की ओर। तो हमें यहाँ पे देख सकते हैं आप नदी भी, नदी है और यहाँ पे जानवर भी काफ़ी हैं। तो टाइगर यहाँ पे कुछ ही दिन पहले एक जानवर का शिकार किया था, तो इसलिए हम इस ट्रैक पे इस जंगल में आज हम टाइगर को ढूंढने निकले हैं। तो अभी कुछ देख सकते हैं आप कि यहाँ पे क्या है टाइगर के पाँव के निशान भी हैं, तो हो सके हमें कहीं आगे टाइगर मिल सकता है। देखो फाइनली हम कुछ नहीं बता सकते हैं, बट हम बढ़े रहे हैं अभी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टाइगर के पाँव के निशान हैं, तो हम बढ़े जा रहे हैं आगे की ओर। और ये हम दूसरी आगे की ओर जा रखे हैं, तो हमें आप ये दिखा सकते हैं ये जो पेड़ है, तो ये जंगली फ्रूट यानी जंगली फल भी हो सकता है, पर हम तो इसको नहीं खाएंगे, बट हमें इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो हम जा रहे हैं, फिर आपको आज दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या गिद्धे भी काफ़ी रहते हैं जो मतलब यहाँ पर मिलते हैं। तो आपको आज कई चीज़ें हम दिखाएंगे जो मतलब जंगली जंगल में हमें खाने को या सब्जी या किसी भी प्रकार का पानी या किसी भी प्रकार का क्या जंगल में हमें क्या है मिल सकता है। तो हम जा रहे हैं अभी, तो आपको दिखाते हैं हम अभी कि यहाँ पे काफ़ी जंगल घने अच्छे जंगल हैं यहाँ पे, मतलब और धूप भी काफ़ी हो रही है, हमें धूप में चलना पड़ रहा है।
अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये पेड़। तो पेड़ पे यहाँ पे गिद्ध लोग गिद्ध गिद्ध बैठा रहते हैं। तो हम सो यहाँ पे काफ़ी ठंडा भी है पेड़ के नीचे, तो गिद्ध यहीं आसपास ही रहते हैं। तो हम वही दिखाने जा रहे हैं आपको कि यहाँ पे हो सके तो आपको गिद्ध मिल सके या कोई भी पंछी यहाँ पे मिल सकता है। बट हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो अभी आपको दिखाने जा रहे हैं यहाँ पे हमको क्या चीज़ मिल गया है। हमको यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हमें ये मिल गया है जो हम ये जंगली जंगल में हमें क्या है, एक सब्ज़ी मिल गई है। जैसे जैसे कि क्या हम सब्ज़ी में भी प्रयोग में लाते हैं। और हम फिलहाल तो ये ज़्यादा है नहीं, हम इसे तोड़ेंगे नहीं। तो हम बढ़ रहे हैं अभी आगे की ओर। तो हम यहाँ पे देखो किसी ने यहाँ पे कुछ आया हूँ कैंपिंग जोन भी सही है, बट यहाँ पे धूप भी काफ़ी आ रही है। तो हमें काफ़ी धूप गर्मी भी काफ़ी हो रही है, तो हम धूप में निकल पड़े हैं आगे की ओर। तो अभी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या है। मौसम भी काफ़ी अच्छा है और पेड़ें भी काफ़ी ये है। तो अभी हम आगे की ओर तो फिलहाल बढ़ ही रहे हैं। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे आज कुछ ही दिन पहले गया, यहाँ पे एक गिद्ध या जंगली जानवर काफ़ी देखे गए। तो हम उसी उसी और आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कितना अच्छा पेड़ है, मतलब कितना यहाँ पे, मतलब ये देख सकते हैं आप किस तरह का पेड़ है। तो हम फिलहाल देख सकते हैं आगे की ओर जा तो रहे हैं। तो अभी हम करीबन हमने 7 से 8 मिनट चलते हुए हो गया, 10 मिनट मतलब 6 से लेकर 7 घंटा हमें पैदल चलते हुए हो गया। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमें थकान भी महसूस हो रही होगी। तो फिर लड़े जा रहे हैं हम आगे की ओर। तो गर्मी भी काफ़ी हो रही है। तो आज हम दिखाएंगे आपको ये जंगली फ्रूट जो हम इसे खा के देखते हैं कैसा है। इसे खा के पता चलेगा कि ये कैसा लग रहा है। नहीं, ये पका नहीं है अभी, कच्चा है अभी। और वैसे ये जब पक जाएगा तो तब खा लेंगे इसको। वो हम जा रहे हैं आगे की ओर। यहाँ पे कैसा है, बहुत ही ठंडा है पेड़ के नीचे। तो हम सोच रहे थे काफ़ी चलते चलते गर्मी हो, धूप लगी है तो हम यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो नहीं, हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर। हाथ हमारा काफ़ी मिशन हमारा गिद्ध को दिखाना है। तो हम क्या है, गिद्ध को आज तो देख सकते हैं, बट यहाँ पे हमें सामने नज़र आ रहा है गिद्ध का नेस्ट। तो हम जा रहे हैं अभी आगे की ओर। तो हम अभी आपको दिखाएं गिद्ध का नेस्ट यहाँ पे ऊपर पेड़ पे काफ़ी हाइट पे बना हुआ है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कांटे, हमें कांटे भी लग गए हैं। बट हम जा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप नदी, एक छोटा सा पानी, हमें पानी भी मिल गया है, प्यास भी लगी थी। तो अब हम पानी भी पी लेंगे यहाँ पे। ये देख सकते हैं आप, ये पानी पीना पड़ेगा हमको आज, तो हमारे पास पानी भी नहीं है। तो अब देखो हम किस तरह से पानी को पीसते हैं। फिलहाल हम ये ज़्यादा ही गंदा है तो हम इसे पीना नहीं चाह रहे हैं। तो हम जा रहे हैं आगे की ओर। तो अभी हम दिखाएंगे आपको कि गिद्ध का नेस्ट जो काफ़ी हाइट पर बना है। तो अभी हम वही दिखाने जा रहे हैं आपको, क्योंकि गिद्ध तो यहाँ से उड़ गया है, बट हम उसे वो नहीं कर पाए। तो हम आपको ये दिखा रहे हैं कि जो नेस्ट है गिद्ध का, वो सामने ऊपर ही कितने हाइट पे पेड़ पे है बना हुआ है, ये दिखा रहे हैं आपको और गिद्ध ने काफ़ी हाइट में बनाया है। और हम ऊपर की ओर देख रहे हैं कि कहीं आसपास गिद्ध हमें नज़र आ रहा है तो नहीं आया। फाइनली आगे की ओर बढ़ रहे हैं, फाइनली हम आगे की ओर बढ़ चुके हैं। तो हम आपको अभी दिखाएंगे कुछ और जंगली फ्रूट जो हमें जंगलों में मिल सकते हैं। तो अब हम दिखाएंगे एक और फ्रूट और मिल गया हमें, जिसके बारे में हमें अभी कुछ मालूम नहीं है, बट हमने इसे खाया है। तो ये कुछ हमें चीज़ के बारे में हमें भी पता नहीं है। और एक और
सब्जी जो हम सर्दियों के दौरान खाते हैं, बट इसी से हाथ पांव पे आजकल इस दौरान आजकल नहीं लगना चाहिए। इससे भी काफ़ी जलन महसूस, हाथ पांव में लगती तो काफ़ी झंझनाहट।